हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूँ अगेन मेरी जिक्सर SL 250 के ऊपर। में रिसेंटली उस बाइक में मैंने एक इशू फेस किया है, और वो इशू क्या था, वो इशू रिजॉल्व कैसे हुआ, उसके बाद में मेरी बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग भी ड्यू थी, तो वो सर्विसिंग एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट राइड प्लान की थी 150 किलोमीटर की विद माय SL 250, जस्ट टू गेट अ फील एंड जस्ट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ माय बाइक। तो शुरुआती 100 किलोमीटर तो ठीक ठाक रहा, कोई इश्यू नहीं था। दैट वाज अ लिटिल हीट एयर। बॉम्बे से नजदीक में एक लोनावला करके प्लेस है, मैं वहां पे गया था, वहां से मुझे रिटर्न आना था, तो विच वाज 150 किलोमीटर का राइड। शुरुआती 100 किलोमीटर कोई इश्यू नहीं था, बट जब मैं वापिस आ रहा था उस टाइम पे मैं एक जगह पे रुका जस्ट टू टेक सम रेस्ट, और जब मैंने गाड़ी रिस्टार्ट की तो मुझे इंजन से एक एबनॉर्मल नॉइस आ रहा था। अब मैं उस टाइम पे ये पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा था कि वो इंजन से आ रही है नॉइस, क्योंकि वो नीचे से ही आ रही थी, पैरों के पास से आ रही थी, सो दैट वाज नॉट कंफर्म वेदर इट्स इंजन नॉइस और समथिंग एल्स। तो वो क्या नॉइस थी, कैसा था, उसका वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा राइट नाउ। मेरी सुजुकी SL 250 को थोड़े लेके आया था, अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं एक जगह पे रुका जस्ट टू टेक सम रेस्ट, और जब मैं तो गाड़ी चालू कर रहा हूँ, जब मैं सेल्फ ले रहा हूँ गाड़ी को चालू करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें से एक अनोइंग नॉइस आ रही है इंजन में से, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो नॉइस किस तरीके से है। गाड़ी न्यूट्रल में आप देख सकते हैं, गाड़ी गियर में नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में है। ये मैंने इंजन स्विच ऑन किया, इंजन फ्यूल स्विच दिस इज़ ऑन। अब मैं इसको सेल्फ स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर से एक बार सुनिए वो नॉइस, फिर से आएगी आपको, फिर से एक बार सुनिए आप वो नॉइस। पता नहीं आप सुन पा रहे या नहीं, मैं वीडियो जब देखूंगा फिर से तब एक बार चेक करूंगा, बट अभी तो नॉइस आ रही है इंजन में से। आई डोंट नो रीज़न, मैंने ऑलरेडी सुजुकी के ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, सुजुकी के वर्कशॉप में इन्फॉर्म कर दिया है, तो देखते हैं कि इसके बाद में क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, कैसे किस तरीके से सुजुकी रिस्पॉन्ड करता है इस इशू को, देखते हैं। तो ये वो इशू था, ये नॉइस था जो आपने इस वीडियो में सुना। आई डोंट नो आप उसको प्रॉपरली सुन पा रहे या नहीं पा रहे, बट एक एबनॉर्मल नॉइस आपको थोड़ा सा सुनाई देगा उस वीडियो में, जो कि नॉर्मल नॉइस नहीं था। जब गाड़ी चालू होती है तो दैट वाज अ टोटली डिफरेंट नॉइस। ये इशू मैंने सेल्स मैनेजर को बताया, जो मैंने जहाँ से गाड़ी परचेज की थी उनके जो सेल्स मैनेजर थे उनको मैंने ये इशू बताया। उन्होंने सुजुकी के एक टेक्नीशियन का नंबर दिया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप व्हीकल सीधा वर्कशॉप में लेके आए। दैट वॉज अ संडे, बट वर्कशॉप वॉज ऑपरेटिंग, तो मैं सीधा गाड़ी वहाँ पे लेके गया। बस ओनली एडवाइस वॉज कि गाड़ी को आप ओवर स्पीड ना करें, आप 4000-5000 आरपीएम के बीच में ही गाड़ी चलाएं। तो मैंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सीधा गाड़ी वर्कशॉप में लेके गया, एंड दे आस्क्ड मी फॉर द 2 डेज। उन्होंने 2 दिन का समय लिया टू डायग्नोज द इशू, एंड दे फाइनली कंक्लूड कि ये जो नॉइस था ये इंजन का नॉइस नहीं था, देयर इज अ स्टार्टर मोटर असेंबल्ड अलोंग विद द इंजन, ये उससे नॉइस आ रही थी। और वैसे ही न्यू मुंबई में काफ़ी ज़्यादा टेक्नीशियंस नहीं है जो SL 250 के इश्यूज या फिर उसके ऊपर में हैंड्स ऑन है, उनका एक्सपीरियंस है, तो दे चेक विद द 2 अदर टेक्नीशियंस अवेलेबल इन न्यू मुंबई, एंड फाइनली दे कंक्लूड इट्स नॉट अ इंजन नॉइस, इट्स अ स्टार्टर मोटर नॉइस। इसके बाद में जो वर्कशॉप मैनेजर थे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि क्या इश्यू है बाइक में, और दे आस्क्ड मी फॉर दी 4 डेज टाइम, बिकॉज जो ये स्टार्टर मोटर थी ये वर्कशॉप स्टोर में रेडी अवेलेबल नहीं थी। और आपको भी बता दूं कि स्टार्टर मोटर में इशू आना इट्स अ वेरी रेयर प्रॉब्लम, हर बाइक्स में स्टार्टर मोटर में इशू नहीं आता है। दैट वॉज वन ऑफ दी केस जहाँ पे ये इशू सुजुकी ने इवन आइडेंटिफाई किया कि, और ऑल इंडिया जितने भी केसेस थे वहाँ पे किसी भी बाइक्स में स्टार्टर मोटर का इशू नहीं आया था, तो दिस वाज द फर्स्ट केस जिसमें स्टार्टर मोटर का इशू आया था। तो उन्होंने 4 दिन का समय मांगा, उसमें उन्होंने मेरे सामने ही पार्ट ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया उनका, जो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वेयर इज द फैसिलिटी लोकेटेड, आई थिंक इट इज इन गुड़गांव, तो वहाँ से उन्होंने पार्ट
ऑर्डर किया था एंड नेक्स्ट डे ओनली दे एयरलिफ्टेड दैट पार्ट एंड ऑन थर्ड और फोर्थ डे दैट असेंबल्ड पार्ट एंड व्हीकल वॉज रेडी दे कॉल्ड मी अगेन टू द वर्कशॉप एंड आस्क्ड मी टू टेक अ ड्राइव और वो इशू रिजॉल्व हुआ था. वो जो एबनॉर्मल नॉइज था वो मुझे नहीं फील हुआ. वो मैंने बाइक राइड भी करी थी उस टाइम पे. ये सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होने में करीबन एक वीक लग गया और एक वीक के अंदर में सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होके मुझे बाइक मुझे वापस मिली. राइट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द टेक्नीशियन एवरीवन वाज इन्वॉल्व टू गेट द बाइक ऑन रोड बिकॉज दिस सिनेरियो वाज कंसीडर्ड एज अ VOR मींस द व्हीकल ऑफ रोड. तो उसमें काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है चीजों को और काफी ज्यादा एक्सपेडिट वे में इस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया. इश्यू को रिजॉल्व कर दिया गया. आपको एक ही एडवाइस करूंगा, इफ इन केस आपको इस तरीके से कोई नॉइस या फिर एबनॉर्मल नॉइस आपके बाइक में से आती है तो आप बाइक को रोक के तुरंत आप जो कॉल है आप सीधा आपके जो सेल्स मैनेजर थे या फिर जो वर्कशॉप मैनेजर है सुजुकी के उनसे कॉन्टैक्ट करिए या फिर आपके जो ट्रेन टेक्नीशियन होंगे SF250 के उस वर्कशॉप में आप उनसे बात करिए बिकॉज नॉट ऑल द टेक्नीशियंस आर ट्रेन फॉर द SF250 बाइक नहीं है. और आप बेटर है कि आप उन्हीं से एडवाइस लें कि वो क्या आपको सलाह देते हैं उस हिसाब से आप प्रोसीड करें. फिर ये सारा इशू हुआ. एक हफ्ते में सारी चीजें ऑन द ट्रैक आ गई. इन बिटवीन मेरी जो फर्स्ट सर्विसिंग थी बाइक की वो भी ड्यू थी तो मैंने लगे हाथ वो सर्विसिंग भी उनसे करवा ली और सर्विसिंग का बिल मेरे पास में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा. तो जो फर्स्ट सर्विसिंग की कॉस्ट जो इस इनवॉइस पे छपी है वो है 538 रुपीज जिसमें उन्होंने मेरा ऑयल फिल्टर चेंज किया और इंजन ऑयल चेंज किया. रेस्ट रिमेन सेम. बाकी कोई चीजें एडिशनल नहीं होती है फर्स्ट सर्विसिंग में. आई विल शेयर दी मैनुअल है बाइक की उसके ऊपर में जो सर्विसिंग का पेज है उसका मैं फोटो आपके साथ में शेयर करूंगा किस इंटरवल के बाद में क्या चीजें चेंज करनी है और किस चीजों को इंस्पेक्ट करना है किन चीजों को रिप्लेस करना है वो सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है. मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बाइक में जब मैं थर्ड ईयर में डालता तो उस समय पर कुछ लैग मैंने फील किया था थर्ड और फोर्थ ईयर में और लोगों ने मुझे ये कमेंट में बोला था कि शायद फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. बट जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट सर्विसिंग में सिर्फ ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ था. बाकी कोई चीज़ों को या फिर कोई चीज़ें रिप्लेस या फिर किसी दूसरी चीज़ों में हाथ नहीं लगाया गया था और ना ही उनके टेक्नीशियन ने ये प्रॉब्लम फील किया था कि थर्ड और फोर्थ गियर में कोई लैग है. मैंने भी जब ये चीज़ें ऑब्जर्व करी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में तो मैंने फाइंड आउट किया कि अगर गाड़ी 3000 RPM से नीचे है और उस समय अगर आप गाड़ी थर्ड या फिर फोर्थ गियर में डालते हैं तो ये लैग आपको फील होगा. अगर आपकी बाइक 3000 RPM से ऊपर में है और आप उस टाइम पे गाड़ी थर्ड या फिर फोर्थ गियर में लेके जाते हैं तो आपको ये लैग महसूस नहीं होता है. रही बात एवरेज की, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि एवरेज शायद फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में चेंज हो जाएगा बट ये मैंने भी अभी फील नहीं किया है. गाड़ी के एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है. अभी भी मुझे 30-32 के बीच में ही गाड़ी का एवरेज मिल रहा है. After this entire event, really I would like to thank the head of the Western Zone. Thank you so much, sir, and the regional manager of Mumbai, sales manager of Mumbai, area manager of Mumbai, and then the entire team of CG Suzuki, the store manager and the technicians of CG Suzuki Rabale. Thank you so much. आपकी वजह से bike again on road है and I am enjoying the ride. For my viewers, if you have any questions, anything related to the service experience or anything related to this issue, you can comment me below. Thanks for watching this video. Have a safe ride.